हाय गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ ये वेडिंग गेस्ट मेकअप लुक। अगर आपके घर में भी शादी है तो भी आप कर सकते हो, या आप किसी की शादी में जा रहे हो तो भी कर सकते हो। ये 24 घंटे टिक जाएगा ये मेकअप, और बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग मेकअप लुक है। ये लुक मैंने किया है स्पेशली फॉर समर्स, क्योंकि गर्मियों के टाइम में हमें इतना ज़्यादा स्वेटिंग होती है, हमें इतना पसीना आता है, और जिसकी वजह से हमारा मेकअप, बहुत सारे लोगों का मैंने देखा है कि मेकअप ही बह जाता है बिल्कुल। तो अगर आप चाहते हो कि इस तरीके से ना हो, तो मैं ये इसीलिए मैंने ये लुक किया है। आप इस स्टेप्स को फॉलो कर सकते हो, और आप देखो कि मैंने यहाँ पे डेमो भी शेयर किया है आप लोगों के साथ, कि मैंने पूरा का पूरा पानी का बॉटल डाल दिया, मेरे पूरा ब्लाउज भीग गया, पट्टा भी भीग गया, मगर मेरा मेकअप इधर से उधर नहीं हुआ। और यहाँ पे मैंने एक वेट वाइप्स यूज़ किया था। ये मेकअप 24 घंटे टिक जाएगा, और यहाँ पे मैंने सेकेंड डेमो भी शेयर किया है कि मैंने उस वेट वाइप्स को वापस से ग्लास के वाटर में मैंने डाला है। और मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ यहाँ पे कि जो मेकअप है वो बिल्कुल भी अपने प्लेस से भी नहीं हटा है, और टिश्यू में भी नहीं आया है बिल्कुल भी। तो अगर आप चाहते हो कि आपको बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है, आप स्वेटिंग को नहीं रोक सकते, मगर आप मेकअप फ्लॉलेस और स्वेट प्रूफ वाटर प्रूफ कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको स्टार्ट करना है आपके फेस वॉश से। फेस वॉश करने के बाद आपको यूज करना है आइस क्यूब। आपको आइस क्यूब से मसाज करना है अपने फेस पे, और आपको उसे नेचुरली सूखने देना है। उसके बाद आप लगाइए टोनर, जो भी आपका फेवरेट टोनर है, या तो आप रोज वाटर गुलाब जल यूज कर सकते हो। उसके बाद आप अपना फेवरेट मॉइस्चराइजर यूज करिए या सीरम यूज करिए, आप अपने जो भी स्किन टाइप के हो आप उस हिसाब से अपना यूज कर सकते हो मॉइस्चराइजर। और यहाँ पे उसके बाद मैंने यूज थोड़ा सा ग्लो के लिए स्विस ब्यूटी का ये प्राइमर हाइलाइटर, मुझे दोनों ही लगता है ये, तो मैंने यूज किया एक प्राइमर की तरह, और हाइलाइटर दोनों का ही काम करेगा। और उसके बाद मैंने दो फाउंडेशन शेड को मिक्स करके लगाया है, तो एग्जैक्ट जो मेरी शेड होगी वो बन जाएगी। एक लैक्मे की थी और एक मेबलिन की, एक डार्क थी मेरे लिए और एक लाइट थी। तो अगर आप भी कंफ्यूज हो कि आपका शेड नहीं मिल पा रहा है फाउंडेशन का, तो आप इस तरीके का हैक यूज कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे मैंने स्विस ब्यूटी का कंसीलर यूज किया, ये मेरे स्किन टोन से 2-3 शेड लाइटर है, इट मीन्स ये हाइलाइटिंग कंसीलर का काम करता है। तो अगर आपके पास ऐसा कोई कंसीलर नहीं है, तो आप नॉर्मल कंसीलर भी ले सकते हो। बस आप अपना आपके फेस में जो भी डार्क स्पॉट्स है, या आपको लगता है आपके डार्क सर्कल्स बहुत ज्यादा, या किसी तरीके का फेस में निशान है, तो आप उसे छुपाने के लिए कंसीलर यूज कर सकते हो। मैं यहाँ पे हाइलाइटिंग कंसीलर यूज कर रही हूँ, और अपने सारे हाईएस्ट पॉइंट पे जहाँ पे कंसीलर लगता है वहाँ पे लगा रही हूँ, और आईलिड पे भी लगा रही हूँ कि वहाँ पे मुझे आई शेडो लगाना है इसलिए, और फिर ब्लेंड कर रही हूँ ब्यूटी ब्लेंडर से। उसके बाद यहाँ पे मैंने NYBA का ये स्टिक यूज किया है, ये कॉन्टोर स्टिक है। आपको इसमें बहुत सारी वैरायटी मिल जाएगी, कॉन्टोर, कंसीलर, फाउंडेशन स्टिक, या तो फिर करेक्टर, आप कुछ भी लेना चाहते हो। और कॉन्टोर करने से ना आपका फेस बहुत ही अच्छा स्ट्रक्चर मिल जाता है आपके फेस को, तो अगर आप चाहो तो कर सकते हो कॉन्टोर, वरना आपको अगर लग रहा है कि नहीं ये कॉन्टोर की जरूरत नहीं, तो फिर आप स्किप भी कर सकते हो। और कॉन्टोर करने के बाद आपका जो फेस का स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल ही चेंज हो जाता है। मतलब अगर आपका फेस बहुत ही ज़्यादा चबी है तो आप स्लिम दिखा सकते हो, अगर आपका फेस बहुत स्लिम है तो आप चबी दिखा सकते हो। मतलब कॉन्टोर जिस तरीके से आप करोगे, जिस हिसाब से करोगे, आपका फेस का स्ट्रक्चर उसी तरीके से होता है। और उसे मैं ब्लेंड कर रही हूँ, और अपने आईज के आईलिड पे कॉर्नर पे मैंने लगाया, ताकि फॉक्सी आईज लुक, मुझे ऐसा मन था करने का। तो फॉक्सी लुक के लिए थोड़ा सा आपका आईज, जो आपके आईज के कॉर्नर है वो थोड़ा शार्प दिखेंगे, तो फॉक्सी आईज का लुक और अच्छा आएगा। फिर यहाँ पे मैंने बेकिंग किया है अपने फेस पे। बेकिंग करने से क्या होती है ना, आपका जो फेस होता है वो, आपका फेस अगर ऑयली है, स्पेशली फॉर ऑयली स्किन के लिए बेकिंग बहुत ही अच्छी है। तो अगर आप ऑयली स्किन के हो तो आप बेकिंग एक बार ट्राई करके देखिएगा, आपको बेकिंग जरूर पसंद आएगी। और बेकिंग करने के बाद आपको 5-10 मिनट्स छोड़ देना चाहिए, क्योंकि बेकिंग होने में 5-10 मिनट्स लगता है। और उसके बाद यहाँ पे मैंने स्विस ब्यूटी का ये पैलेट यूज़ किया, ये ब्लशर पैलेट है, इसमें सब कुछ आपको मिल जाता है, कॉन्टोर, ब्लश, हाइलाइटर। इससे मैंने अपने फेस को कॉन्टोर किया है, नोज को कॉन्टोर किया है, अपने जॉ को कॉन्टोर किया है, और अपने फोरहेड को। उससे आपको बहुत ही अच्छा स्ट्रक्चर मिलता है फेस में। अगर आप वो लिक्विड वाला ब्रॉन्जर कॉन्टोर नहीं करना चाहते, तो आप पाउडर वाला भी कर सकते हो। उसके बाद मैंने यहाँ पे स्विस ब्यूटी का पैलेट यूज़ किया है आई लुक के लिए, मगर मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं आई लुक करूँ तो करूँ क्या। फिर मैंने यहाँ पे एक बहुत ही लाइट शेड यूज़ किया है, ये मेरी स्किन से थोड़ी डार्कर थी, तो मैंने इसे एज अ क्रीज, मतलब मैं जब भी आप आई लुक स्टार्ट करते हो ना, तो आप हमेशा लाइट कलर से स्टार्ट करिए, लाइट लाइट लाइट, फिर डार्क में जाइए, उससे आपका आई लुक बहुत ही अच्छा होता है। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले वो लाइट कलर लिया और अपने क्रीज पे लगा रही हूँ, और मुझे एक फॉक्सी आइज लुक करना था, क्योंकि इंडियन में फॉक्सी आइज बहुत ही अच्छा लगता है अगर आप देखोगे तो। तो यहाँ पे मैंने उसके बाद एक डार्क कलर लिया है, डार्क ब्राउन कलर, और उसे मैं अपने सिर्फ क्रीज पे लगा रही हूँ, क्रीज के नीचे नहीं। आईलिड को मैंने एकदम प्लेन छोड़ दिया है, ताकि मैं वहाँ पे कोई भी एक कलर लगा सकूँ, तो वो लुक बहुत ही अच्छा आएगा।
और आई लुक करते वक्त ना आपको सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है कि ब्लेंडिंग बहुत अच्छी हो। उसके बाद यहाँ पे मैंने एक गोल्डन कलर लिया है और अपने आईलिड पे लगाया है, सिर्फ बीच में, मिडल में से, मतलब फ्रंट से मिडल तक लगाया है, एकदम लास्ट तक पूरे आईलिड पे नहीं लगाया है। आप देखो, सिर्फ मैं बीच में लगा रही हूँ और फ्रंट में लगा रही हूँ। उसके बाद मैंने उसी पैलेट से ये ब्लैक कलर लिया है और एक आईलाइनर की तरह मैं एक एंगुलर ब्रश से लगा रही हूँ। मतलब जब आप आईलाइनर लगाते हो तो किस तरीके से लगाते हो, बस उसी तरीके से मैं यहाँ पे आई शेडो को लगा रही हूँ। तो उससे क्या होगा, एक बहुत सॉफ्ट लुक आएगा और लगेगा भी नहीं कि आपने कोई आईलाइनर लगाया है, मतलब एक बहुत ही सॉफ्ट और क्लीन लुक आता है। और मैं उसी कलर से, उसी ब्लैक कलर से मैं यहाँ पे फॉक्सी आइज़ कर रही हूँ। मतलब वैसे तो मेरी आइज़ फॉक्सी नहीं है, बट फॉक्सी आइज़ करने से ना आपका लुक बिल्कुल अलग ही लेवल तक चला जाता है। मतलब अगर आप चाहो तो आप कर सकते हो, वरना आप सिंपली जिस तरीके से मैं यहाँ पे क्लोज लगा रही हूँ, आप उस सही से लगा कर छोड़ दो। बट मेरा मन था कि मैं थोड़ा यूनिक करूँ, और यूनिक चीज़ बहुत सारे लोगों को पसंद भी आती है। तो यहाँ पे आप देखें कि मैं मेरे जो आई का जो कॉर्नर है, मैं वहाँ पे लगा रही हूँ। बिल्कुल एक फॉक्स की आईज़ किस तरीके से होती है, बिल्कुल उसी तरीके से एक लाइन मैं नीचे साइड से ला रही हूँ, मतलब आउटर कॉर्नर पे और इनर कॉर्नर दोनों को जोड़ रही हूँ। क्योंकि ये पाउडर है तो इसीलिए मैं इसे अपने वाटर लाइन पे नहीं लगा रही, मतलब जहाँ हम लोग काजल लगाते हैं उस एरिया को बस छोड़ के लगा रही हूँ। और उसके बाद यहाँ पे मैंने लैक्मे का ये आई काजल लिया है जो ग्रीन इन शेड में है। काजल आपको 2-3 शेड्स के वहाँ मिल जाएंगे लैक्मे के, अगर आप लेना चाहो तो। और मैं ब्लैक करना चाहती थी, बट मुझे लगा कि थोड़ा सा और यूनिक किया जाए इस लुक को, मतलब यूनिक हो गया, मेरे ज्वेलरी से मैच भी कर रहा था ग्रीन कलर, इसलिए मैंने ग्रीन कलर का काजल लगाया। उसके बाद मैंने वही स्विस ब्यूटी के पैलेट से अपने डार्क ब्राउन शेड लेकर अपने आईब्रोज, और आप भी अपने आईब्रोज को डार्क ब्राउन कलर से फिल कर सकते हो, उससे ज़्यादा नेचुरल लगते हैं। ब्लैक कलर यूज़ करने से बहुत ही ज़्यादा वियर्ड लगता है। और उसके बाद यहाँ पे मैंने एक सेटिंग स्प्रे से अपने ब्रश में पहले स्प्रे कर लिया, फिर हाइलाइटर लगाया। उससे आपकी हाइलाइटर बहुत ही ज़्यादा ऐसे डिस्को बल्ब की तरह लगती है और बहुत ही अच्छी लगती है, ग्लो बहुत ही अच्छा आता है उस टेक्निक को अगर आप फॉलो करते हो तो। तो यहाँ पे मैंने अपने नोज़ में लगाया था, और मतलब यहाँ पे जहाँ पे हाइलाइटर आप लगाते हो बस वहीं पे लगाया। और फिर उसके बाद यहाँ पे मैंने ब्लश लगाया है, उसी पैलेट में आपको सब कुछ ही मिल जाता है, आप एक बार वो पैलेट जरूर ट्राई करिएगा, बहुत ही अच्छा है और अफोर्डेबल। हमारा मेकअप ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है, यहाँ पे मैंने सेटिंग स्प्रे यूज़ किया है और जो भी एक्सेस था ऐसे डैप डैप करके जो ब्यूटी ब्लेंडर है उसमें से मैंने डैप कर लिया ताकि जो एक्सेस होगा वो निकल जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे मैंने मस्कारा यूज़ किया है, ये स्विस ब्यूटी का मस्कारा है, ये भी बहुत अफोर्डेबल है, 200 के अंदर आपको मिल जाएगा अगर आप डिस्काउंट में लेते हो। लास्टली मैंने यूज़ किया अपना फेवरेट लिपस्टिक मग्स एंड हग्स, शेड है उसका ये NYB की लिपस्टिक है, प्राइमर प्लस मैट, और फॉल्सीज लगाया है। बस लुक को यहीं पे कंप्लीट कर दिया मैंने। अगर आपको ये लुक अच्छी लगे, पसंद तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा इस वीडियो, और मुझे फॉलो कर लीजिएगा इंस्टाग्राम पे, सभी प्रोडक्ट्स के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।